तो ये है दूसरा व्यू पॉइंट। तो यहाँ पर मुझे फॉग चलता हुआ दिख रहा है और हवा के साथ फ्लो हो रहा है, यानी कि जो क्लाउड्स हैं ये वही है। और हम जी भर के यहाँ पर सांस लेंगे सांस। हाय गाइस, आशा करता हूँ आप सब फाइन होंगे जिसने भी मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा। और हम उसमें गए थे मंदारगिरी। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आज हम जा रहे हैं हॉर्सी हिल और देखेंगे। हमने आज शायद 10:30 हो रहा है, हम लोग काफ़ी लेट निकले हैं एज़ यूज़ुअल, हमेशा हम लेट ही निकलते हैं। और मेरे साथ में बैठा है मेरा बेटा, हमेशा की तरह मेरा नेविगेटर। चलिए आगे चल के आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। भाई ये हम हॉर्सली हिल के करीब 34 किलोमीटर दूर हैं। रोड बहुत नैरो है, गाड़ी को मिट्टी पे लेना पड़ता है अगर कोई ट्रक आ जाता है। और यहाँ पर अभी एक चेक पोस्ट था जहाँ पर उन्होंने चेक किया कि गाड़ी में कोई वाइन या लेकर तो नहीं है, तो आप उसको कैरी करके ना ले जाएं वरना अननेसेसरी आप ट्रेवल में पड़ जाएंगे। वाह भाई वाह, क्या नज़ारा है वो देखो। मुझे जो लग रहा है कि यही हॉर्सली हिल है, मगर अब एक्चुअल तो वहीं जाकर पता चल। तो भाई एंट्री करते हैं अपन हॉर्सली हिल में। तो भाई 25 रुपए की जो है गाड़ी की एंट्री मिली है, और अब यहाँ से है करीब 8.5 किलोमीटर एंट्री के बाद। तो भाई पहुंच गए हैं, गूगल दिखा रहा था 4 घंटे, लेकिन मैंने गाड़ी कहीं भी नहीं रोकी, तो इसलिए मैं पहुंचाऊं करीबन 3 घंटे 40 मिनट या फिर 3 घंटे 35 मिनट में। चलो एंजॉय करते हैं व्यूज़ को, फिर आपको दिखाते हैं आगे। अभी हिल व्यूज़ के लिए निकल पड़ा हूँ, देखते हैं आगे का क्या क्या नज़ारा है, आपको दिखाऊँगा इसमें। तो यहाँ पर है गवर्नर्स बंगलो, विंड विसल, वैली व्यू पॉइंट, स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब। एज यूजल हमारी फैमिली है मेरे साथ, मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड है, देखो रनिंग कर रहा है। यहाँ पर कोई नहीं है तो नेवर माइंड, मैंने इसीलिए मास्क हटा दिया है। तो और फीलिंग भाई ऊटी वाला ही है, सही कह रहे हैं ये लोग कि ये। और मेरे पीछे देखिए राम जी का टेंपल। यहाँ पर मुझे पानी के झरने की सी आवाज आ रही है। तो हम चल रहे हैं व्यू के लिए, यहाँ पर काफी मंकीज की भी आवाज आ रही है। चलते जाइए चलते जाइए और चलते जाइए। वाह, ऑसम। तो यहाँ पर मुझे फॉग चलता हुआ दिख रहा है और हवा के साथ फ्लो हो रहा है, यानी कि जो क्लाउड्स हैं ये वही है जो नीचे से हमें दिख रहा था। यहाँ पे शायद 19 डिग्री होगा, क्योंकि गाड़ी में जहाँ पर फॉग नहीं था वहाँ पर 20 डिग्री आ रहा था। आई एम एक्सपेक्टिंग इट माइट बी लेसर देन 19 डिग्री एक्चुअली। मैं इस व्यू पॉइंट पर चिल्ला रहा हूँ, मेरी आवाज़ इको हो रही है, क्योंकि ये ऐसा ही है, पता नहीं इसके पीछे क्या साइंस है।
क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, शायद कैप्चर हो रहा होगा इसमें, और अगर हो सके तो मैं आपको टाइम लैप्स मैं क्लाउड्स दिखाऊंगा। तो जो लोग मेरे पीछे चढ़े हुए हैं उसको यहाँ पर लोग सुसाइड पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप बताइए यार। इट्स अ सुसाइड पॉइंट, राइट? या मैप के साथ साथ मैं चल रहा हूँ और आप देख सकते हो एक हॉसली हिल्स जू है यहाँ पर, मैं वहाँ जाऊँगा, देखता हूँ क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर खाने के लिए भी आपके लिए कुछ अवेलेबल है, बट मैं नहीं खा रहा क्योंकि मैं घर से लाया हूँ। एक टेंपल है और ये जू पे जाने के लिए रास्ता है। ये यहाँ का जू है बट बंद है, नो एंट्री ड्यू टू कोरोना। आपको अगर एडवेंचर करने हैं, खतरों के खिलाड़ी जैसे स्टंट करने हैं, तो यहाँ पर सब कुछ है। मेरे पीछे देख सकते हो, ये ऊपर चढ़ना नीचे उतरना। मैं तो फिलहाल कोरोना के चक्कर में कुछ नहीं कर रहा, एडवेंचर वाले लोग आ सकते हैं यहाँ पर। ये है तो छोटा सा ही मगर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिलैक्सिंग प्लेस है। अगर आपको कहीं और नहीं जाना तो बस इसी में जा सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बेंगलोर का मैं कहूँगा नियरेस्ट बेस्ट हिल स्टेशन है ये। पार्क करने के लिए बहुत जगह है, कहीं भी पार्क कर लो। मैंने तो हिप्पी टूरिज्म हिल में पार्क किया। देखो पीछे भी लोग पार्क कर रहे हैं, पूरी रोड खाली है भाई, बहुत इन्जॉयमेंट है, अच्छे से, बहुत ठंडी हवा, बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो जगह जगह पर मंकी हैं, आदमी नहीं मिल रहे। तो भाई मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये, यहाँ के जो है मैं सांस ले रहा हूँ ना, मतलब फील हो रहा है कि यार तुम किसी हिल स्टेशन पर हो और ब्रीथ कर रहे हो। तो जो मैं अभी कवर कर रहा था बाकी 50-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर वाले, मुझे उनमें इतना मज़ा नहीं आया, सच बोल रहा हूँ। लेकिन ये जगह औसम है, औसम है। यहाँ पर पहुँचने के लिए लगभग 4 घंटे निकाल के रखना। रोड बहुत ख़राब हो जाती है बीच में, कहीं कहीं नैरो रोड होती है, गाड़ी का जो पहिया है आपको मिट्टी पे उतारना पड़ता है। सामने से कोई रोड पे से ट्रक आता है उन सबको देखते हुए, अदरवाइज़ ट्रैफिक ऐसा कुछ नहीं होता, मगर रोड बहुत नैरो है और बहुत कई जगह गड्ढे 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 वाली है। और बारिश का मौसम है, यू नेवर नो कि कितनी बारिश हो जाए, कब क्या हो जाए, ठीक है। लेकिन यू मस्ट विज़िट दिस प्लेस, दिस इज़ लाइक अ मस्ट विजिट प्लेस अराउंड बेंगलोर इन 150 किलोमीटर।
मेरे पीछे रास्ते में एक लेक पड़ता है, मगर वो मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। आप चाहें तो विजिट कर सकते हो जब हम ऊपर चढ़ाई के ऊपर या नीचे उतरते हैं उस रीज से। तो भाई अब चल पड़े हैं यहाँ बेंगलोर के लिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कम्प्लीट वीडियो।